हेलो चिल्ड्रेन टॉपिक इज एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन इज अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर एटीन काउज टू ग्रेज इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज थर्टी मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 एट मीटर हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग एक फील्ड है रोमबस टाइप की है उसमें ग्रीन ग्रास है एट्टीन काउज़ के लिए वो सफिशियंट है ग्रास और रोमबस की एक साइड थर्टी मीटर है और उसका लॉन्गर डायगोनल जो है फोर्टी एट मीटर है तो क्वेश्चन है कि एक काउ के लिए कितनी एरिया सफ़ीशियंट होती है होगी ग्रेजिंग के लिए ग्रेजिंग एरिया तो चिल्ड्रेन हम सबसे पहले इसका हम एक रोमबस बना लेते हैं देखिए यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लगाने को यह डायग्राम बना दिया है ए बी सी डी एक रोमबस है जिसकी चारों साइड थर्टी मीटर दी गई है इसका लॉन्गर डायगोनल फोर्टी एट मीटर दिया गया है तो चिल्ड्रेन हम लोग जानते हैं हेरोन्स फार्मूला तो हम सबसे पहले ये ट्रेंगल की एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ पहले क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगिल ए बी सी फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम को एस चाहिए तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू तो ए की वैल्यू आप इधर से देख सकते हैं थर्टी प्लस थर्टी और प्लस फोर्टी एट बाई टू और चिल्ड्रेन ए हो जाएगा तीस तीस साठ और चालीस सौ वन हंड्रेड एट बाई टू और हो जाएगा फिफ्टी फोर तो चिल्ड्रेन तो फिफ्टी फोर मीटर आ गया अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगिल ए बी सी इक्वल टू हेरोस फार्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अब इसको हम क्रम से ए बी सी ए को ले लिया है कोई दिक्कत नहीं होगी इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे एस फिफ्टी फोर इंटू फिफ्टी फोर माइनस थर्टी इंटू फिफ्टी फ़ोर माइनस थर्टी इंटू फिफ्टी फोर माइनस फोर्टी एट चिल्ड्रन मैंने सारी वैल्यूज एक को हमने ए मान लिया एक को बी मान लिया और एक को सी मान लिया वैल्यू तो पुट कर दिया अब आगे देखते रहिए चिल्ड्रन क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा फिफ्टी फोर इंटू थर्टी इस सबट्रैक्ट करेंगे तो ए, ट्वेंटी फोर आ जाएगा देखिए चार आ जाएगा और तीन सौ पाँच ठीक है इन टू ट्वेंटी फ़ोर इससे भी आ जाएगा और ये हो जाएगा अड़तालीस तो पचास सिक्स आ जाएगा फोर्टी एट टू फिफ्टी सिक्स आ गया अब चिल्ड्रेन इसका हम ट्वेंटी फोर का तो देखिए फैक्ट्री पेयर बन रहा है इसको तो कोई दिक्कत नहीं फिफ्टी फोर का हम प्राइम फैक्टर कर लेते तो देखिए चिल्ड्रेन हमने फिफ्टी फोर को लिख लिया थ्री इंटू थ्री इंटू सिक्स और ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर ऑलरेडी था और ये सिक्स लिख दिया इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर आ जाएगा थ्री ये पेयर बन गया ये दोनों पेयर बन गए इंटू सिक्स और ये ट्वेंटी फोर का पेयर बन गया इंटू ट्वेंटी फोर और इसको हम सॉल्व तो चिल्ड्रन ये आ गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 432 मीटर स्क्वायर अब इसके बाद हमको चूंकि ट्रेंगल के एरिया मिल गई है तो ट्रेंगल अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए ट्रेंगल के एरिया तो मिल गई है लेकिन अगर हमको पूरे रोमबस के एरिया निकालना हो तो डायगनल डिवाइड करता है टू तो ट्रेंगल्स में ऑफ इक्वल एरिया दोनों के एरिया बराबर होती हैं अगर हमको पूरा रोमबस निकालना है तो हम इसका डबल कर देंगे जो आया हुआ है तो आगे इसको लिखेंगे इसको करेंगे एरिया ऑफ सो तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू पूरा रोम्बस की हो जाएगा टू इंटू फोर हंड्रेड थर्टी टू और हो जाएगा टू टू जॉ फोर टू थ्री जॉ सिक्स टू फोर जा एट हंड्रेड सिक्सटी फोर मीटर स्क्वायर यारिया पूरी एरिया रोमबस की आ गई अब चिल्ड्रेन इसमें क्या करना है अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये एटीन काऊ की के लिए है तो ग्रेजिंग एरिया सो so सोहेंस ग्रेजिंग एरिया फॉर वन काऊ कितना हो जाएगा एट हंड्रेड सिक्सटी फोर एट हंड्रेड सिक्सटी फोर अपन एट्टीन से डिवाइड कर देंगे एट्टीन काऊ हैं और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा फोर्टी एट मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से चिल्ड्रेन आप समझ सकते हो कि ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि एक काऊ के लिए ग्रेजिंग एरिया क्या होगी वो होगी फोर्टी एट मीटर स्क्वायर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओके थैंक यू